Welcome everyone to AJ classes. Today, as you can see from the screen, we will be starting with another part of modern history. This will be the 8th part, and if you haven't seen the 7th previous videos, you can see from the playlist of AJ classes. Thank you for your support. We have already crossed 90 subscribers. That's a whole lot of achievement for me, but we have to carry on. Nevertheless, today we will be doing 20 most important questions, and the first question says, who coined the slogan Quit India? This is a very important question. The person who coined the slogan Quit India, he also coined another word, Simon Go Back. He is very much famous, but a very unique question. Yusuf Meher Ali. Okay. Means he is not so much prominent like Gandhiji or Subhash Chandra Bose or Jawaharlal Nehru, but still he plays an important role in coining the terms like Quit India and Simon Go Back. Okay, Simon Go Back bhi, Yusuf Meher Ali ne hi ye wala Quit India bhi diya aur Simon Go Back, ye dono slogan ko Yusuf Meher Ali ne diya tha. Who is the author of the book Philosophy of the Bomb? तो बॉम्ब का इंसिडेंट भगत सिंह के साथ ही हुआ था, तो इसलिए यही लिखे हैं भगत सिंह. आपके लिए आंसर याद करना आसान है. फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो है भगत सिंह लिखे थे. तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ये इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ भगत सिंह है, लेकिन मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के थ्रू बोलना चाह रहा हूँ कि भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ये दोनों मिलके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराए थे. उस वक्त भगत सिंह का एज 21 ईयर्स था, सिर्फ 21 साल. ये भी क्वेश्चन में आता है, इनफैक्ट ये सीडीएस में आ चुका है 2018 में, कि जब भगत सिंह बॉम्ब फेंके थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब उनका एज कितना था. तो ऑप्शन में दो ऑप्शन बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, एक था लिटिल मोर देन 21 और एक था 21 ईयर्स, और आंसर 21 ईयर्स था. तो पक्का 21 ईयर्स में ही भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, विच मैसेकर इज नोन एज द जलियांवाला बाग ट्रेजडी ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो एक जगह है चरण पदुका, इस जगह में एक मैसेकर हुआ था, मतलब एक मीटिंग टाइप का हुआ था. और इसमें भी ऑलमोस्ट सेम जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि एक तरफ से सोल्जर्स या जनरल डायर ने अपना एक फौज लेके आ गए थे और उन्होंने ओपन फायर कर दिया था. ठीक इसी तरह चरण पदुका मैसेकर जो था, मैसेकर जो कि 14 जनवरी 1930 में हुआ, तो इसमें भी कुछ इस तरह से ही इवेंट हुआ कि ये लोग जमा हुए थे मीटिंग के लिए, लेकिन फिर ब्रिटिश फोर्स ने डिस्पर्स किया पूरा क्राउड को फायरिंग करके, और जिसमें बहुत सारे लोगों का मौत भी हुआ. तो इसको सिर्फ कंपेयर किया जाता है. ठीक है, एससी बोस स्टार्टेड आज़ाद हिंद रेडियो इन विच कंट्री? तो ये जर्मनी में स्टार्ट किए थे. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1942. ठीक है, मैं एज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कब किए थे. हो सकता है क्वेश्चन में कभी आ जाए कब और कभी आ जाए कहाँ. तो कहाँ का आंसर जर्मनी, कब का आंसर 1942. हु इज नोन एज फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसां इन बंगाल? तो इसका आंसर है नवाब अब्दुल लतीफ. सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आएगा, इस तरह से हमारा ट्रेंड चलता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही रहता है, तो उस वक्त कलकत्ता कैपिटल था. ठीक है, दिल्ली नहीं हुआ था, तो वहाँ के थे इलीजा एम्पे, ई से होता है, सॉरी
इलीजा एम्बे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ कैलकटा इन 1690? तो इसका आंसर है जॉब चार्नक। ये भी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कुछ लीडर्स का नाम दिया है और ये पूछ रहा है कि वो कौन से प्लेस के लीडर्स थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से प्लेस के वो लीडर थे। पहला जो है वो है कुंवर सिंह, तो वो अर्रह एक जगह बिहार में है, वहाँ से रिवॉल्ट ऑफ 1857 किए थे, ये लीडर्स ऑफ 1857 है, ठीक है। कुछ लीडर्स के मैं नाम दिया हूँ, अलग अलग और भी लीडर्स हैं। बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, ठीक है। और बेगम हजरत महल का मैं आपको एक हिस्ट्री देना चाहूँगा कि बेगम हजरत महल जो हैं ये आपके लखनऊ के हैं और इन्हीं का बेटा, जिसके बारे में इस बार WBCS में क्वेश्चन भी आया था कि बिरजिस कादिर के बारे में आया था कि ये कौन था, ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ बेगम हजरत महल, ठीक है। बिरजिस कादिर के बारे में एक आया था, तो ये सन है बेगम हजरत महल और उनके हस्बैंड जो कि नवाब वाजिद अली शाह, जिसके नाम पे हमारा मेटिया ब्रूज है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु एड्रेस्ड होम एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? तो सुभाष चंद्र बोस एड्रेस्ड स्वामी विवेकानंदा को वो स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोले थे, ठीक है। और न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर्स, क्वेश्चन नंबर 10, आर एसोसिएटेड विथ एनी बेसेंट? अब जो है मैं मॉडर्न हिस्ट्री का ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन में पहुंच जा रहा हूं, क्योंकि अब जो देख रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चन को मैं रिपीट भी करने लग रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मैं इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में एक बार जॉब चार्नक के बारे में दिया था, तो अब क्या करना चाह रहा हूं मैं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन को यहीं रहने देता हूं। उसके बाद अभी हमारा मेडिवियल ऑलमोस्ट ख़त्म पे है, मुगल एम्पायर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, पूरा ही ख़त्म हो गया, आपको वीडियो मिल गया दोनों। अब जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जब स्टार्ट होगा तो उसमें जब वो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा तो अलग अलग जो गवर्नर जनरल के टाइम में क्या हुआ, फिर वॉइस के टाइम में क्या हुआ, उस वक्त आपको और ज़्यादा क्लियर अप हो जाएगा। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का मैं ये 8 वीडियो जो है ये लास्ट वीडियो रहेगा, और उसके बाद अगर होगा भी तो मैं मॉक टेस्ट वगैरह का जब डिस्कशन होगा लास्ट में एकदम जनवरी के टाइम पर, तब थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री का मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि मेंस वगैरह में आता है वो क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये 8 नंबर पार्ट को यहीं रोक देते हैं। जनरल साइंस के बारे में मैं सोच रहा था कि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूं आपके साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आएगा, अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं। द मुसलमान, द हैंड रिटन डेली न्यूज़पेपर इन सर्कुलेशन सिंस 1927 इज पब्लिश्ड फ्रॉम विच प्लेस? तो ये पब्लिश होता है लखनऊ से। The doctrines of non-violence, civil disobedience is associated with Mahatma Gandhi, were influenced by the works of Ruskin, Tolstoy and Thoreau. तीनों के तीनों साउथ अफ्रीका में काफ़ी मदद किए थे जब गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह वहाँ लड़े थे, ठीक है। जॉन रस्किन के बारे में भी आता है कि वो सिविल डिसोबीडियंस वहीं से सीखे थे, और टॉलस्टॉय वगैरह थ्योरो, ये नॉन वायलेंस जो सत्याग्रह वर्ड है
वो वहीं से उनसे ही सीखे थे, इन्फ्लुएंस किए थे, कि मतलब यहाँ से उनसे लिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 13 है वो बोल रहा है हु इज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर मूक नायक, तो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीन कठिया सिस्टम जो चंपारण में, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन दी 3/20th एरिया ऑफ लैंड। इसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन दी 3/20th, तीन कठिया, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा का जो है जमीन आपका एरिया ऑफ लैंड में इंडिगो को आपको बनाना, मतलब जबरदस्ती वो लोग उगवाते थे और वो जो लैंड है वो फेवरेबल नहीं था इंडिगो के लिए, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करवाते थे और उसमें कुछ उन लोगों को नफा भी नहीं देते थे, सब अपने पास रख लेते थे, जिससे काफ़ी मतलब इंडियन के फार्मर्स लोग को काफ़ी लॉस हो रहा था। और इसी के लिए इनविटेशन, हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, राजकुमार शुक्ला। तो इन्होंने इनवाइट किया गांधी जी को कि आप आके चंपारण में सत्याग्रह अपना जो आप करते हैं, जो रिफॉर्म लाए हैं, तो वो रिफॉर्म आप चंपारण में भी रखिए। तो ये 1917 में हुआ था चंपारण, ये भी आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी कुछ आप लोगों को याद होगा चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद खेदा सत्याग्रह है जो 1918 में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेट आपके क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे आने वाला है, अब आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 16। आप देख सकते हैं विवेकानंदा अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस हेल्ड एट शिकागो इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट होता है, 1893। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कभी कभी पॉलिटिक्स में भी आता है, 1956। और इसका पहला स्टेट जो कि रीऑर्गेनाइज्ड हुआ था 1956 में, उसका आंसर है आंध्र प्रदेश, लिंग्विस्टिक बेसिस में। ठीक है, ये जो होता था ये लिंग्विस्टिक बेसिस में हो रहा था। इसके बारे में भी 2-3 कमिटी बना था, फजल अली कमीशन था, वो सब हम लोग बाद में जब डिस्कस करेंगे जब हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और बीजी तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक, तो ये लकब या फिर ये जो टाइटल इनको कब मिला, जब द गवर्नमेंट अक्यूज्ड हिम इन द रांड मर्डर केस, व्हेन द गवर्नमेंट अक्यूज्ड हिम इन द रांड मर्डर केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस लाए थे वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली के लिए ये सब्सिडरी अलायंस था, तो इसको सबसे पहले निज़ाम ऑफ हैदराबाद, यही हमारे नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और ये किसने कहा कि इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस, तो ये बोला था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो ये वर्ड लॉर्ड कर्जन ने कहा था, टॉटरिंग मतलब हल्का हल्का करके टूटता हुआ गिर रहा है, और वो एटलीस्ट वो पहुंच जाएगा एक पीसफुल डिमाइस में। तो इनका ये चाहत था कि मैं इंडिया में रह के यही देखूं कि कैसे ये कांग्रेस INC जो है गिरता है और टूटता अपने में। खैर, आज के लिए इतना काफ़ी है, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।